अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज जी हम अंसर भाई के पास मौजूद हैं। अंसर भाई ने जानवर खरीदा है। जानवर खरीदने के बाद जी अंसर भाई से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जो जानवरों के बाल उतरवा दिए हैं। बाल उतरवाने के बाद कुछ ये बारिश में भीग गया, जिसकी वजह से जानवर ना डिस्टर्ब हो गया और जानवर कुछ खा पी नहीं रहा। आए हैं जानवर को आके चेक किया, जानवर को बुखार है काफ़ी ज़्यादा। इसको हमने 5 cc एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो लगाया, जिसको हम जेंटा कम्बिसोन बोलते हैं। जिसम दर्द, बुखार, नज़ला, क्योंकि एंटीबायोटिक आपको पता राउंडर हर जगह पे काम करता है, उसके साथ हमने लगाया है स्टीराइड, ठीक है, वो ज़रूरी एंटीबायोटिक के साथ, क्योंकि जितना इस जानवर को स्केर इन्फेक्शन था और जानवर काँप रहा था, वो हमने लगाया। उसके बाद सब भाई लेके, उसके बाद हमने जनाबी अल्लाह आधा किलो दूध लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी हमने डाली है, 2 ब्रूफन की और 1 सेप्टन DS की हमने गोली डाली है, और उसके अंदर हमने अपना स्पेशली एंटीबायोटिक ऑयल डाला, क्योंकि जानवर थोड़ा कॉन्स्टिब्यूशन में भी चला गया, कब्ज़ में भी चला गया, ठीक है। तो अभी आप दोस्तों को हमने एक छोटा सा मैसेज देना था। वीडियो हम ना भी बनाते थे, लेकिन हमें कोई इशू नहीं था। वीडियो हम सिर्फ इसलिए दोस्तों के लिए बना रहे हैं कि किसी दोस्त को कोई मसला मसाइल बनता तो देख ले। आजकल के मौसम में आपने बरसात के मौसम में जानवरों के बाल नहीं उतरवाने, क्यों जी? आंसर भाई इसी तरह ही बात है ना जी। और ये है कि कोशिश ये करें कि अपने जानवरों को सबा चारा ज़्यादा से ज़्यादा दें, खुली फजा के नीचे बांधे, पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और जानवर को इस मौसम में आप ना नहलाएं, बेहतर ये है, ठीक है। तो बस ये प्रॉब्लम, मौसम कच्चा है ना, मौसम कच्चा है, बारिश अचानक आ गई है तो बंदा रहा, मैं इधर है नहीं था तो उसकी वजह से सारा मसला बना। बारिश में ये भीग है, उसके बाद बाल, पहले बाल उतरवाए हैं, बाल पहले उतरवाए हैं, पहले बाल उतरवाए हैं, हो गया, और फिर उसके बाद जी ये बारिश में बंदा रहा, जिसकी वजह से ये फीवर कर गया। जानवर बहुत बड़ा है, खीरा बच्चा है, लेकिन दर्द की वजह से, जिस्म की पट्ठों के खिंचाव की वजह से, बुखार की वजह से ये प्रॉब्लम में परेशान है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। 2 ब्रूफन की हमने गोली ली है, 200-200 mg वाली, ठीक है। एक साथ हमने सेप्टरन DS की डाली है, सेप्टरन DS की, आधा किलो दूध है, उसमें हमने एंटीबायोटिक ऑयल डाला ताकि इसकी कॉन्स्टिब्यूशन, कब्ज इसकी ख़त्म हो। सुबह के फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जी हमने इसको इनक्योर 10 या इनक्योर 20 इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि इसको खांसी भी आ रही है और जानवर थोड़ा सा कांप भी रहा है। अब हमने इसको अंदर जगह पे बांध देना है, इंशाल्लाह ताला जी अल्लाह ताला की ज़ात ये बेहतर करेगी। आज की जो ट्रीटमेंट है वो हमने आप दोस्तों को बताई है, ठीक है, कि ये जानवर को किस तरीके से आपने सारे मामला करने हैं। अभी ये आंसर भाई का जानवर देख ले, दर्द फील कर रहा है, ठीक है, और इसको हल्का सा टम्परेचर भी है, ये देखिए इसको हल्का सा दोस्तों टेम्परेचर भी है, ठीक है, और जिसकी वजह से जानवर थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, ठीक है। आंसर भाई आउट ऑफ सिटी कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से ये मसला मसाइल आंसर भाई को आया है, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला जी ये जानवर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ भरा था, बाल उतरवाने के बाद इसके ऊपर बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से ये मसला मसाइल आया है। जानवर देख लें, 2025 का शौक है आंसर भाई का, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो ये बेहतर हो जाएगा। क्यों जी आंसर भाई, जरा हमारे जितने भी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वीडियो देखते हैं, आंसर भाई क्या मिस्टेक हमसे हुई है वो जरा बताइएगा। मिस्टेक यही हुई है ना, बाल उतरवा दिए हैं, ठीक है, मंडी से लाते सारी, लाते सारी, दूसरे दिन बाल उतरवा दिए, ठीक हो गया, ठीक है, बाल बड़े थे, गर्मी फील कर रहा था पहले, ठीक है, वो बाल उतरवाए हैं तो बारिश में बांधा रहा, ठीक है, मैं इधर है नहीं था, ठीक है, तो लड़कों ने अंदर नहीं किया, ठीक है, सारी रात बाहर भीगता रहा, सारी रात ही बारिश हुई है उस दिन, तो उसकी वजह से बुखार में चला गया। आंसर भाई सुबह ठंडा कर, इसको कितना बुखार था? इसको 106 बुखार, मैंने चेक किया था, चेक किया। अब जी आंसर भाई का ये आप जानवर देख ले, अभी हमने इनको जो भी चीज़ें बताई हैं इंशाल्लाह ताला आंसर भाई करेंगे। अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सुबह तक काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 3-4 दिन हो गए आंसर भाई, इसने कोई चीज़ भी नहीं ना खाई? 2 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं खाया, थोड़े से पट्टे खाए हैं बस, ठीक हो गया। अब आंसर भाई हमने इसको डोज दे दी है, इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, ठीक है, अब आप सोने भाई इसको अंदर बांध दें, ठीक हो गया। कल सुबह भी आपने यही ट्रीटमेंट करनी है, परसों इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ओके होगा, ठीक है मेरी जान। तो ये थी जो आज की वीडियो जो हमने आंसर भाई की आप दोस्तों को दिखाई है, ठीक है,
तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला जी ये बेहतर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंसर भाई का जानवर देखने के लिए आए थे, यहाँ ट्रीटमेंट भी करने के लिए आए थे, ठीक है। अल्लाह की ज़ात ने इंशाल्लाह ताला इसको शफा भी देनी है, इसने इंशाल्लाह ताला ईद पे कुर्बान भी होना है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी तो ये आगा सदाम मंडे पे, क्योंकि लोग चार चार साल हो गए अंसर भाई को, चार साल हो गए स्पेशली आगा सदाम मंडा हमारा इस्तेमाल करते हुए। तो हमारा काम भी है कि जो बंदा हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हम उसके पास जाएं, जो नहीं भी करता उसके पास भी जाएं, ठीक है। यही हमारा मिशन है, यही हमारा काम है, जब तक हमारी ज़िंदगी हमने लगे रहना है। जब इस दुनिया से चले जाएंगे फिर हो सकता है कि कोई ये काम ना करने वाला हो। बाकी ये कि आज हमने इसको आधा किलो दूध दे दिया, उसके अंदर दो हमने इसको ब्रूफन की 200 mg वाली टैबलेट दी है, एक सेप्टरा डी एस की डाल के, हल्दी और अपना एंटीबायोटिक ऑयल डाल के दे दिया है, ताकि इसके अंदर जो भी इन्फेक्शन है हल्दी एंटीसेप्टिक मेथड का ये काम करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की डोजें भी लगा दी है, इंशाल्लाह ताला जिल्ला बेहतर करेगा। अब ये सर्दी गर्मी की वजह से इसको बुखार है, बेहतर हो जाएगा। मौसम बरसात में खास तौर पे आपने जानवरों के बाल नहीं उतरवाने, या आप और नहलाना नहीं है बाल उतरवाने के बाद। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगा सदाम, बस को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।